हेलो भाई, नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। मुँ रोजा स्वागत करुच्छे आपको रोजा हो फैमिली ब्लॉग रे केमी अच्छे आपने कमेंट्स बॉक्स में मतलब निहत जनइबे। प्रभु जगन्नाथ कृपा आपने समस्त केयरफुल रुहतु, सेफ रुहतु, भले रुहतु, खुशी से रुहतु, यटा ही मोर आपण मान आशा और विश्वास रोनार भयंकर पार्थित समस्ते केयरफुल रही है कह बेस किसी कहबी कोविड विषय कहीं सब बड़े मुझे कहूँ तो आपण मैंने बोर हो जाए भावुँ बट मत कह बोर लगुन खुशी लगुच। आज स्पेशली मोर जो सब्सक्राइबर मत रिक्वेस्ट करते हैदराबादी चिकेन करी बनवाई तो मुझे बनैबी हैदराबादी चिकेन करी स्पेशली सब्सक्राइबर कौन वर्षा आरंभ हो गला तो बाहर को देखुली केवल ही देवी आपण मैं भी देवी मुझे निजे खाइबी तो से कही बनैबी जैसे एक्साइटेड ना मत खावा दीदिन है बहुत इच्छा हो तो से एक्साइटेड अच्छी आलत आम किचेन को जी कहीं आमको आम हैदराबादी चिकेन करी ये नर्माली लो फ्लेम होता है आपण मैंने जानते कि नहीं मुझे जानी बट मुझे बहुत थर आगु लो फ्लेम हे तो से आमको गोटे घंटा लगे पखापाखी कहीं आम हैदराबादी चिकेन करी मेन इनग्रीडियंट्स हूँ दही तो दहीटा आम जेहत पकईक तो हाई फ्लेम कि मीडियम फ्लेम फाटी जबार संभावना थाए तो से आमको यहाँ प्रथम पूरा शेष पर्यटन लो फ्लेम रखी बनवाई पड़ता है बट बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी तेज चलत आपत सेयार कर देखने ही जापर हैदराबादी चिकेन करीटा केजी आते टेस्ट अच्छी डेरी करें चलत किचेन को जी कहीं बहुत लेट हो कला बेलू को घंटाटे लगे आमको तो सही आपण सहित कथा ये गोटे के जी फ्रेश चिकेन को मुझे धोई नहीं आधे दही आम पाउडर मसला जहाँ भी अच्छे आड करके मैरिनेट करवा वन टेबुल स्पून हल्दी पाउडर आम एड करवा वन टेबुल स्पून लंका पाउडर एड करवा टू टेबुल स्पून धनिया पाउडर एड करवा धनिया पाउडर टू टेबुल स्पून जीरा पाउडर वन टेबुल स्पून जीरा पाउडर वन टेबुल स्पून एड करवा टू टेबुल स्पून अदा रसुण को पेस्ट बनई नहीं अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट आप मार्केट रू आनी घरे बनई पक बहुत ही बढ़िया मार्केट पेस्ट में गोटे प्रकार केमिकल मिशी था तो सेटा टेस्ट लगे नहीं भल तापर कंचा लंका ये दस रु बार काटी नहीं सेटा को एड करदे ये गरम मसला वन टेबुल स्पून एटा मध्य घरे बनई आप घर बना मसला जिते यूज करेंगे आप खाइबा से टेस्टी आ देहपाई बहुत ही भल रहा मार्केट रू जहाँ भी किणिक आणुचे से देहपाई बहुत क्षतिकारक होता है कहीं कौन कौन सब मिशी थाए आमको जाना ना एवं आम टू टेबुल स्पून रिफाइन एड करवा स्वाद अनुसार लुण एड कर गोटे के जी चिकेन जी लुण दरकार आपक लुण एड करेंगे आम ये 250 ग्राम दही एड करवा के जीटा गोटे के जी चिकेन 250 ग्राम दही एड करवा और हैदराबादी चिकेन मो पाखे पुदीना पत्र धनिया पत्र अवेलेबल ना फिर भी मुझे एमती करूँ बहुत ही टेस्टी हम एबे हमरो सब पकई मसला जहाँ जहाँ आड करदेली आम या भल भाव मैरिनेट करके गोटे घंटा पर रखिदबा आ जदि आम फ्रिज रे आपको रखुचे बहुत ही भल मुझे फ्रिज रे रखी नॉर्मल टेम्परेचर रे रखी या भल भाव मिक्स करे ये आम भल भाव सब मिसाई नहीं देखते मसला आ दही की चिकेन सहित भल भाव मिसाई नहीं गोटे घंटा पर मैरिनेट कर रखा तापर आम करिबा हैदराबादी चिकेन करी ये आम मैरिनेट करके रखि चिकेन को गोटे घंटा हो गला गोटे घंटा पर हो गला आठ मीडियम साइज रे चारोटी प्याज को काटी नहीं जेहेतु आम हैदराबादी चिकेन कर जीरा किसी नहीं जीरा किसी माने यहाँ हूँ वन टी स्पून जीरा और ये डालचीन किसी लवंग किसी आमर एटा अलैच गोटे बड़ अलैच आ छोट अलैच तीन चारोटी तेजपत्र तीन रु चारोटी
एबे हमें गैस ऑन करिबा और इतरे कड़ाईटा बसे देबा कड़ाईटा बसे दिले और याकू तातिबा पई छाड़ देबा कड़ाईटा ताति गेले इतरे हमें 3 रो 4 स्पून सरसों तेल ऐड करिबा एटी हमरा कड़ाईटा ताति जाई जे तो एटी मु 4 बड़ चम्मच सरसों तेल नै नै छी माने मस्टर्ड ऑयल नै नै छी और याकू हमें गरम होबो पई छाड़ देबा एटी हमरा तेलटा गरम हे जाई छी आउ एबे हमें गैस को सिम रे रखी कि गोटा मसला पकेबा एटे हमें प्रथमे जीरा ऐड करिबा और एबे हमरा तेजपत्र जाको ऐड कर देबा रखीथवा तेजपत्र को एबे हम दालचीनी को ऐड कर देबा या पर हमें गुजराती को ऐड कर देबा गुजराती को कैसे हम छोटे अलचे कह थे आम बड़ अलचे ऐड करदे और लवंग जैसे आड करदे टे फुटा छाड़देव एट सब भल भाव फुटिगला देखो एवं हम इस पिज आड करदे काटिक रखी पिज को आड करदे आम भाजी ने टे एबे हमें गैस को हाई फ्लेम कर दबा और ओ प्याजटा हमरा गोल्डन ब्राउन कलर हेला पर्यंत हमें याको भाजीबा प्याजटा हमरा इटे टिके भाजी हे आसलानी जस्ट माने ब्राउन कलर हे आसलानी याको हमें गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत भाजीबा देखो ये आम पिजटा पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हो गए गैसटा को पूरा सीम कर करदे आउ चिकेनटा सीम्रे हिंब कहीं हमारा हैदराबादी चिकेन जेहतु पूरा सीम्रे मीडियम फ्लेम को भी आनबानी पूरा लो फ्लेम आम रोसईटा सारे आज एमें पिजटा देखते कमी भाजी एम मैरिनेट कर रखी चिकेनटा को आड करदे जेहेतु आम ए दही पड़ी तो आम जब मीडियम फ्लेम भी करे दहीटा फाटी जबार चांसेस बहुत अच्छी तो से आम या पूरा सीम्रे ही सरी लो फ्लेम्रे ही आम या पूरा सारे आम हैदराबादी चिकेन करीटा लो फ्लेम्रे ही हम या भल भाव मिक्स कर नवा जेहेतु आमर ये सब मसला आड हो जाता पाउडर मसला भी तो आम खाली पिज और गोटा मसलार बनाऊे तो या भल एम मिक्स करें तरकारीटा सारे याकूम भल भाव मिक्स करे आम एम घोड़े मझेरे मझेरे एम ए घोड़े मझेरे मझेरे या बाहर मानते घोड़ीटा बाहर करके मिक्स फ्लेम देखु पूरा लो फ्लेम ही गैस आप रखिए मुझे पूरा लो फ्लेम रखी देखूँ आउ या मझेरे मझेरे मैंने प्रति 4-5 मिनिट रे थरे बाहर करके कसुवा बर्तमान आम या खोली नवा बस बार 10 मिनिट हो गला देखा कौन कंडीशन अच्छे देखते जेहेतु आम यहाँ एकदम लो फ्लेम रे बसी तो या भितर बहुत सारा या दूर पा बाहर जा देखु आउ दहीटा भी कंडीशन आम ठीक अच्छे एम या टे मिक्स करदे पुणी घोड़ेद मिक्स करके पुणी घोड़े देवा नॉर्मली आम हैदराबादी चिकेनटा बहुत ही समय नहीं था करने बहुत ही समय लगी था तो या पूरा लो फ्लेम करूचे तो से आमको समय लग मिनिमम घंटाटे लग तो या बस बार हो जा 10-15 मिनिट एमें पुणी या घोड़े ना पुणी 5-10 मिनिट पर पुणी टे का देखा कौन कंडीशन अच्छे एम ढाकुणी दे एबे हमर एटा 20-25 मिनिट हो जाए खोली नबा देखिबा यार कंडीशन कौन अच्छे देखंतु एटा हमर पानीटा पूरा बाहर जाइछि आ एबे हमर दहीटा फाटी बने जदि आपण चाहिबे इ कसा टाइप रो करके खाया पई तो आपण हाई फ्लेम रे करि परिबे याकु माने हाई फ्लेम रे रखी कि पानी मारी कि आपण खाई परिबे दही हमर फाटीबो नहि इ जमारु
तो जदि आप रुटी सहित खाइबे तो आदर पानी मारिक कसा टाइप रे ना तो भात सहित जब खाइबे आपण को इच्छा आपण जमी करें आमर ये तरकारीटा हो जा हैदराबादी चिकेन करी आउ मुझे गोटे कथा कहीदेवि मुझे पुदीना आ धनिया पत्र आड करी जेहेतु मो पाखे अवेलेबल नथिला फिर भी बहुत ही बढ़िया बासना आ बहुत ही टेस्टी आसो आईटा आमर हाँपा पखापाखि 45 मिनिट रु 50 मिनिट लगला मत या चलत आम गरम गरम सर्व करवा खाइबा देखो जेहेतु आम तरकारी दही आड हो आर ग्रेविटा देखो के सुंदर कलर भी आखु बासना भी बहुत ही बढ़िया आसूची तो नर्माली मुझे हैदराबादी चिकेन केबे भी बनाए मैंने केबे केबे इच्छा है बनाए तो आम जो सब्सक्राइबर मत रिक्वेस्ट करते तो से स्पेशल मुझे बनई आमें भात सहित हो रुटी सहित हो पराठा सहित हो जहाँ सहित भी आपड़ खाइबे बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे था आईटी आपण मानी गरम गरम सर्व कर स्पेशली मोर से सब्सक्राइबर जी मत रिक्वेस्ट करते हैदराबादी चिकेन बनवाप तो प्रथम आप खाईनतापे मुण को देक ही खाइबि एका बिल्कुल भी खाइबे ना नियंतु आ ट्राए करूँ आपण यहीटा को ट्राए करूँ श्योर ट्राए करूँ घरे जे भी हैदराबाद चिकेन बनई ना बिल्कुल आउ मोर से सब्सक्राइबर को मुझे स्पेशल कौच बनातु आउ मत कमेंट बॉक्स रे श्योर जनातु केमी कौन टेस्ट थिला आउ कौन केमती फ्लेवर थिला सब जनातु चलतु मु टिके खाई नहीं कि आपण का सहित कथा हो हाय गुड इवनिंग वर्तमान समय हो गलामर 4:30 हो गला मुँ पूरा हैदराबादी चिकेन करीर बहुत ही मजा नेली और मत स्पेशल से करीटा बहुत ही भल लगे मत नहीं आप भी बहुत ही भल लगे आप ट्राए करूँ जेहेतु आम चिकेन दहीटा आड होता है तो सीटा आम पेटप बहुत ही भल होता है पेट खराब होता है बहुत ही कम तेल मसलार आप देखिपे मानते मात्र 10 ग्राम तेल आम से बनपर हैदराबादी चिकेन करी हो आमर गोटे मुझे बनई मझे पकई थी विलेज स्टाइल चिकेन करी विलेज स्टाइल चिकेन करी बोध हुए नल रांधना चिकेन करी पकई से भी आम बहुत ही कम तेल नॉर्मली आम घरे बहुत ही कम तेल मसला यूज हुए कहीं आपने जानते आम घरे समस्ते समस्ते मैं समस्ते केवल मो शाशु को आ नणंद को छाड़देले बाकी समस्ते समस्ते मैंने कौन मो हजबैंड आम बहुत ही मानने हेल्दी हेल्दी मानने जहाँ भी टिके खाली देह लगी जाए तो तेल मसलार टिके कंट्रोल रखा पड़ी जेहेतु मानने सिचुएशन बहुत ही खराब चलती आदि किसी होगा भी प्रॉब्लम देह खराब हो कि भी हो प्रॉब्लम होगा मुझे हॉस्पिटल जावाई मानने डर तो आपने जानते कोविड डर के जोर पशिक रही चाहूनी स्पेशली यही टाइम आमको हॉस्पिटल जावाक पड़ू बोली तो से समस्त सजग रहा पड़े मुँह भी सजग रोचे आपण मन को भी कहूँ जे आपण मैंने भी सजग रुहतु बहुत ही कम तेल मसलार आम कमी भल खाइबा बनईपर से सब बेले ट्राए कै बहुत ही कम तेल मसलार बहुत भल खाइबा बनवाई सक्सेस हुए आपण भी ट्राए करूँ आपण को जदि किसी भल रेसीपी दरकार मानने विदाउट तेल मसला हो कि मानने बहुत कम बहुत 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 कम मानने अल्प टिके तेल मसलार किसी भी आपन को रेसीपी दरकार हुए तो मत प्लीज कमेंट बॉक्स रे कहे कहीं मत भल लगे बनवाई आउ बेसिकली आपण मान रिक्वेस्ट वीडियो बनवाई तो मुझे बहुत एक्साइटेड होता है जमीक आज मोर जड़े सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते हैदराबादी चिकेन करी बनवाई तो स्पेशली बनैली आ मो मन भी खुशी होगा कहीं मुझे एक्साइटेड थी जे बन खाइबी से बनवाई टी टाइम लगे थे तो नॉर्मली आम तो रोष कले टाइम ही लगे बट से टिके टाइम बेसी खाई है जेहेतु आम लो फ्लेम हुए तो मो झी आसिक गोटे कौन कह भावी से फ्लेम को नहीं आसली से मुझे बनैली आज आपण मैं तो खाली देखुं मुझे मजा पूरा फायदा उठे कहीं
नॉर्मली आमर जदि किछ गोटे टेस्टी खाइबा विदाउट तेल मसला रे होउछि तो आमे माने समस्ते खाई जाए तो से ही से विषय बेस डिस्कसन करबि केवल एति कहि आपन माने घरे ट्राई करंतु आ मते कमेंट्स बॉक्स रे श्योर जणंतु आ केबे भी भूलिबेनि जणेबा पई कहि ना आपन मते जणेले मते बहुत 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 ही खुशी लागिव जे मु आपन माने को सेति कि माने सटिस्फैक्शन हेला वळी किछ गोटे रेसिपी देइछि आउ कौन कह कि कहबी बर्तमान मुझे भिडियोटी को एंड करी कहीं मुझे सब बड़े ट्राए कर भिडियोटी 10-15 मिनिट भितर रखापी फिर भी मोर बहुत बड़ा हो जाऊँ तो आज भाभी तो पूरा परफेक्ट 15 मिनिट भितर रखी पुणी मिसा आ गोटे नुआ ब्लॉग सहित वीडियो सहित रेसीपी सहित मो झ कौन गोटे कहूँ भावुची तो ताकू इन्हें कथा करेबी माने तार कथा सरबन आपर से कांदार लगे जोटा कि मत बिल्कुल भी भल लगे मो झीओ कांदे बेसिकाली मो झीओ कांदे मुझे बिल्कुल भी सही पारे पुह कांदे सही बट झीओ कांदे मुझे बिल्कुल सही पारे मत बहुत ही कष्ट हुए मो झीओ कांदे कहीं कष्ट हुए जानी बट बहुत कष्ट हुए जी कष्ट न हुए मो पुह कांदे झीओ कांदे बहुत कष्ट हुए मुझे के चाहे कंदापी सब बड़े चेषा कैर से खुशी रो बट सी कांदुरी सब बड़े कांदे आउ जीबा पूर्वर आपनको एतिकी कहि रखिबी जे जदि आजर ब्लॉग टी आपनको टिके भी भल लागिथे आउ मोर रेसिपी टी आपनको टिके 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 भी भल लागिथे आपन ट्राई करंथु आउ मो चैनल को टिके स जदि आपन मो चैनल रे नुवा थिबे त टिके सब्सक्राइब कर दियंथु आ पाकर थिबे बेल आइकन को दबे दियंथु काहेकि ना मु जहां भी वीडियो अपलोड करबी आपनको करे तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पहुचिबो आउ लाइक कर दिंतु शेयर करने को बिल्कुल भी भूलं नहीं बहुत मात्रा रे शेयर करंतु आ कमेंट्स कर दिंतु पुणी बेसी आ गोटे नुआ वीडियो सहित ब्लॉग सहित से पर्यंत मुझे विदाय नौ रोची बाय बाय टेक केयर और बी केयरफुल बी सेफ फॉर कोविड।